दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना लगा दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगी थी, जानना चाहा था कि वे कितने पढ़े लिखे हैं। कोर्ट ने पीएमओ को भी कहा है कि उन्हें पीएम की डिग्री सार्वजनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। पीएम मोदी की डिग्री दिखाने का आदेश हाई कोर्ट ने किया रद्द। केजरीवाल पर लगाया 25,000 का जुर्माना। भड़के दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। क्या है ये पूरा मामला? जानकारी के लिए बता दें कि सीआईसी ने एक आदेश दिया था जिसमें कहा गया था कि पीएमओ प्रधानमंत्री मोदी की स्नातक और स्नातोत्तर डिग्री जारी करे। उसी आदेश को गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जहां से एक तरफ सीआईसी के आदेश पर स्टे लगा दिया गया है तो वहीं अरविंद केजरीवाल पर जुर्माना ठोका गया है। ये याचिका गुजरात यूनिवर्सिटी ने हाई कोर्ट में दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि आरटीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है। उन्हीं तर्कों को समझते हुए हाई कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी और सीएम केजरीवाल पर जुर्माना लगाया। गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर सीएम केजरीवाल की प्रतिक्रिया। पीएम मोदी की डिग्री मामले में 25,000 का जुर्माना लगाए जाने के बाद सीएम केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके पीएम कितना पढ़े हैं? कोर्ट में उन्होंने डिग्री दिखाए जाने का जबरदस्त विरोध किया, क्यों और उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे पीएम देश के लिए बेहद खतरनाक है। 7 साल पुराना केस। बड़ी बात यह है कि मामला कोई अभी का नहीं है बल्कि साल 2016 का है, यानी कि आज से 7 साल पुराना। असल में उस समय तत्कालीन सीआईसी एम श्रीधर आचार्य युलू ने दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी को ये आदेश दिया था कि वे पीएम मोदी की डिग्री जारी करें। अरविंद केजरीवाल के कहने पर ही तब वो आदेश दिया गया था, लेकिन गुजरात यूनिवर्सिटी ने तुरंत हाई कोर्ट में याचिका दायर की और उस आदेश को चुनौती दी गई। अब वहां से यूनिवर्सिटी को राहत मिली है और सीएम केजरीवाल को झटका लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7।